हाँ, जो ब्रीड मैं सिर्फ सर्दियों में ब्रीड नहीं लेता, बाकी मेरी पूरी गर्मियाँ ब्रीड चलती है। तो फरवरी से लेके ये सितंबर तक, अक्टूबर में मिड में जाके जो है ना वो मैं जोड़े अलग करने का शुरू कर देता हूँ। तो मेरा पूरा गर्मी ब्रीड चलती है, फरवरी से लेके अक्टूबर तक जो है ना ब्रीडिंग का बेहतरीन मौसम है। और अगर कोई ज़्यादा एहतियात करना चाहे तो जो बरसात का मौसम है जिसमें जुलाई का एक महीना है, तो जुलाई के महीने में अगर सेपरेट कर लें तो बेहतर है। तो बाकी सर्दियों में मैं ब्रीड नहीं लेता, सर्दियों में क्योंकि रात को बच्चे पड़े पड़े ठंडे हो जाते हैं, जब सर्दी पड़ती है माँ बाप साइड पे होवे तो बच्चे ने रात को एक्सपायर हो जाना है, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और उतना पानी भी कबूतर की इंटेक भी कम होती है, वो बच्चों को उतना पानी नहीं देता, उससे पोटा बंद का बच्चों का मसला भी शुरू हो जाता है। तो सख्त जितने भी जो बहुत सख्त मौसम है उसमें बस ब्रीड ना लें, बाकी नॉर्मल जो चलता है मौसम उसमें ब्रीड लें, बेहतरीन ब्रीड आएगी। और साथ में कबूतर को रेस्ट भी मिल जाता है, वो सेपरेट रहता है, तो फिर आगे से वो बच्चे भी अच्छे पालता है। ये इसके पीछे जो मैं समझता हूँ मेरे मुताबिक तो यही है। प्लीज सब्सक्राइब कबूतर टीवी यूट्यूब चैनल।